बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, रुक रुक कर ही सही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में आकाशीय बिजली के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं शनिवार को प्रदेश में 5 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई। देर शाम जमुई में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। वहीं भागलपुर में 2 लोगों की जान चली गई। समस्तीपुर में एक किसान की मौत ठनका के कारण हो गई। कल शेखपुरा, कटिहार, मोतिहारी, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, जमुई और पटना में सुबह से ही बादल छाए थे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून द्रोणी रेखा औसत समुद्र तल पर जैसलमेर, उदयपुर, इंदौर, बैतूल, गोंदिया, रायपुर और गोपालपुर से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। मानसून द्रोणी रेखा ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। इसके प्रभाव से आज दक्षिण बिहार के कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। जमुई में शनिवार देर शाम वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई भेजा गया है। घटना सोनो थाना क्षेत्र के करमटिया के पास की है। मृतक की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के नीम नवादा के सुकर यादव के बेटा निवास कुमार और पैरू यादव के बेटा नंदन कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायलों में नीमाडीह का दिनेश यादव, आमगछिया का सुधीर भुल्ला और नीमनवादा का रंजीत कुमार शामिल है। इधर भागलपुर के नौगछिया के खरीक प्रखंड के मैरचा में ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर के हसनपुरा में दूधपुरा के पास सब्जी तोड़ने गए किसान राजकुमार पासवान की वज्रपात से मृत्यु हो गई। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। फिलहाल मौसम ज्यादा शुष्क रहने की आशंका न के बराबर ही है। आने वाले दिनों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पटना और आसपास के इलाकों में आज पूरे दिन धूप खिली रहेगी, लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं शनिवार को पटना के अधिकतम तापमान में 3.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1 जून से 9 सितंबर तक बिहार में 27% तक कम बारिश हुई है। अब तक बिहार में 843 mm बारिश होनी चाहिए थी, पर 613 mm बारिश हुई है। पटना में 40% कम बारिश हुई है। यहां अब तक 746.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 447.7 mm बारिश हुई है। एक बार फिर से बता दूं कि बिहार में हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, रुक रुक कर ही सही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में आकाशीय बिजली के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं शनिवार को प्रदेश में 5 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई। देर शाम जमुई में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। वहीं भागलपुर में 2 लोगों की जान चली गई। समस्तीपुर में एक किसान की मौत ठनका के कारण हो गई। कल शेखपुरा, कटिहार, मोतिहारी, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, जमुई और पटना में सुबह से ही बादल छाए थे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून द्रोणी रेखा औसत समुद्र तल पर जैसलमेर, उदयपुर, इंदौर, बैतूल, गोंदिया, रायपुर और गोपालपुर से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। मौसम विभाग की माने तो पटना और आसपास के इलाकों में आज पूरे दिन धूप खिली रहेगी, लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं शनिवार को पटना के अधिकतम तापमान में 3.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।